मैं अपनी शिफ्ट खत्म करके घर आ रहा था। उस समय रात के करीब 12 बज रहे होंगे। अचानक एक लड़का मेरी बाइक से टकरा गया। टक्कर बहुत तेज थी, मुझे लगा वो लड़का मर गया होगा। मैंने बाइक रोककर देखा तो मुझे वो लड़का नहीं दिखा। अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं थोड़ा घबरा गया, मगर वो लड़का अचानक से मेरे सामने आ गया। वो मुझे घूर घूर कर देख रहा था। मैंने चैन की सांस ली और बाइक में बैठकर चलने लगा। वो लड़का भी मेरे साथ भागने लगा। वो अभी भी मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहा था। उसकी नजर सड़क की तरफ बिल्कुल नहीं थी, वो सिर्फ मेरी ओर देख रहा था। मैंने बाइक की स्पीड बढ़ा ली, मगर वो लड़का और तेज भागने लगा। मैं जितनी तेज बाइक चलाता वो भी उतनी तेज भागने लगा। मेरी स्पीड 80 के आसपास पहुंच गई, मगर वो लड़का मेरे साथ साथ ही भागता रहा और एक बार भी आगे नहीं देखा। मुझे काफी डर लगने लगा था। मैं भगवान को याद करने लगा और उसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। जैसे तैसे मैं घर पहुंचा, मैंने अपने आसपास देखा, वो लड़का अब नहीं था। मगर उस रात 2-3 बार दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। खोल के देखा तो कोई नहीं था। ऐसा 2-3 दिन तक चलता रहा। फिर मैंने अपने घर के दरवाजे पर ओम चिपका दिया। उसके बाद ये सब बंद हो गया और मैंने अपने ऑफिस जाने का रास्ता भी बदल लिया। तो हे गाइस, जैसे कि मैंने कल अपने चैनल पर एक एनिमेशन स्टोरी वीडियो अपलोड किया था, तो उस वीडियो पे आप लोग काफी ज्यादा कमेंट किया है कि भाई आपने ये स्टोरी वीडियो को कैसे बनाया है, उसका आप ट्यूटोरियल बनाए। तो गाइस, आज की इस वीडियो पे मैं आपको वही जो है आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने उस एनिमेशन स्टोरी को बनाया है मोबाइल फोन की मदद से। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो में आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि कैसे मैंने उस कैरेक्टर को बनाया है, कैसे बैकग्राउंड को बनाया है, कैसे मैंने एनिमेशन किया है, कैसे वॉइस ओवर किया है। मतलब इस वीडियो पे आपको पूरा कम्प्लीटली सिखाया जाएगा कि कैसे मैंने उस एनिमेशन स्टोरी को बनाया है। तो गाइस, अगर आपको भी जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है, आपको पूरा एंड तक देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले, अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का इस चैनल पर वीडियो आपको देखने को मिलेगा। तो गाइस, सबसे पहले बात करेंगे स्टोरी के बारे में कि अगर हम एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो हमें स्टोरी कहाँ मिलेगा। तो देखो भाई, स्टोरी आपको खुद लिखना पड़ेगा। आपके एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए आपको खुद स्टोरी लिखना पड़ेगा। अगर आपको स्टोरी लिखना नहीं आता है तो आप किसी फ्रेंड को बोल सकते हैं कि भाई हमारे एनिमेशन वीडियो के लिए आपको स्टोरी लिख दीजिए। जो स्टोरी लिखना जानता है उसी के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो आप फेसबुक पे जाइए, फेसबुक में भी आपको बहुत सारी स्टोरी जो है देखने को मिलता है, जो लोग स्टोरी लिखते हैं। नहीं तो आप वेबसाइट पर जाइए, वेबसाइट में भी आपको बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी मिलेगा। नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है कहानियाँ, हिंदी कहानियाँ, हॉरर कहानियाँ, इस तरह का आपको बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएगा जो कि आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपको पूरा पूरा एकदम कॉपी नहीं करना है, आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है, गांव का नाम चेंज करना है, नहीं तो जो लीड कैरेक्टर है कैरेक्टर का नाम चेंज करना है, थोड़ा थोड़ा जो है उसको मॉडिफाई करके आप अपने एनिमेशन वीडियो के लिए स्टोरी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो गाइस, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। अगर आप मोबाइल फोन के मदद से एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपके फोन में कौन कौन एप्लीकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो गाइस, फर्स्ट नंबर पर जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन का नाम है किनेमास्टर। तो ये एप्लीकेशन होना आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी एप्लीकेशन के मदद से आप जो है एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं और ठीक है एडिट कर सकते हैं। एंड सेकंड नंबर पर जो एप्लीकेशन है गाइस, उस एप्लीकेशन का नाम है IVIS पेंडेक्स। तो इसी एप्लीकेशन के मदद से आप कैरेक्टर को मेकिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड को मेकिंग कर सकते हैं अपने कार्टून वीडियो के लिए,
एंड थर्ड नंबर पर जो एप्लीकेशन आता है गाइस, उस एप्लीकेशन का नाम है बैकग्राउंड एरेजर। इस एप्लीकेशन की मदद से आप कैरेक्टर को पीएनजी में बना सकते हैं, उसका बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर पर जो एप्लीकेशन आता है गाइस, उस एप्लीकेशन का नाम है पोज मैक्स। तो इस एप्लीकेशन की मदद से आप कैरेक्टर का पोज को ले सकते हैं। तो ये आपके फोन में चार एप्लीकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप इस एप्लीकेशन को अभी प्ले स्टोर से नहीं इंस्टॉल किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइए और चार एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। तो गाइस आप हम बात करेंगे स्टोरी टेलिंग के बारे में कि आप अपने एनिमेशन वीडियो में स्टोरी टेलिंग कैसे करोगे, वॉइस रिकॉर्ड कैसे करोगे। तो देखो भाई, स्टोरी टेलिंग के बारे में मुझे भी इतना अच्छा नॉलेज नहीं है, बट मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर से बात किया है जो लोग एनिमेशन वीडियो बनाते हैं, स्टोरी टेलिंग करते हैं, उसी से मैंने बात किया है और उसी से काफ़ी कुछ मैंने सीखा है और उसी का एग्जाम्पल लेकर मैं आज की इस वीडियो पर आपको सिखाने वाला हूँ। तो गाइस आप अपने एनिमेशन वीडियो में अगर आप स्टोरी टेलिंग करना चाहते हैं, डायलॉग बोलना चाहते हैं, तो सबसे फास्ट जो स्टेप है जो आपको फॉलो करना है वो आपको क्लियर एंड स्पष्ट रूप से आपको स्टोरी को बोलना होगा। ठीक है, मतलब जो भी आप शब्द, जो भी आप वर्ड बोलोगे उसको आपको स्पष्ट रूप से आपको उच्चारण करना होगा, तभी सुनने वाला को मजा आएगा। ठीक है, एंड रिकॉर्ड करते समय आपको एक सुनसान जगह पर चले जाना है, नहीं तो आपको एक सुनसान कमरे पर आपको चले जाना है, वहां पर आपको स्टोरी को रिकॉर्ड करना है ताकि ज़्यादा नॉइज ना आए, बाहर की आवाज़ ना आए आपकी स्टोरी में। ठीक है, थर्ड नंबर पर जो आपको स्टेप फॉलो करना है वो ये है कि आपको स्टोरी को एक ही बार में रिकॉर्ड कर लेना है। आपको जस्ट आपके फ़ोन के जो डिफ़ॉल्ट साउंड रिकॉर्डर एप्लीकेशन है उसी को आपको ओपन करना है एंड आपको एक खाता पर लिख लेना होगा जो भी आप डायलॉग वगैरह बोलोगे, जो भी आप डायलॉग वगैरह रिकॉर्ड करोगे उसको आपको एक खाता पर लिख लेना होगा। एंड आपको माइक लगा के, नहीं तो आप अपने जो फ़ोन के जो डिफ़ॉल्ट माइक है उसी एप्लीकेशन को ओपन करके आप वॉइस को एक ही बार में स्टोरी को आपको रिकॉर्ड कर लेना है, पूरा स्टोरी को। ठीक है, उसके बाद आप जो भी डायलॉग बोलना चाहोगे उसको आप अलग अलग से रिकॉर्ड करिए। ठीक है, एंड उसको आप सेव करके रख लीजिए अपने फाइल मैनेजर एप्लीकेशन में। ओके, तो गाइस अब हम बात करेंगे कैरेक्टर मेकिंग के बारे में। तो देखो गाइस, कैरेक्टर मेकिंग आप कैसे करोगे। तो कैरेक्टर मेकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको स्टोरी को समझना होगा कि आपका जो कैरेक्टर है वो किस पोजीशन पर रहेगा। तो मेरा जो स्टोरी आपने देखा, उस स्टोरी में कैरेक्टर जो था वो है बाइक चला रहा था। तो सबसे पहले आपको बाइक चलाना कैरेक्टर आपको बनाना होगा। तो वो मैं कैसे बनाया हूँ और आप कैसे बनाओगे सब कुछ दिखाने वाला हूँ। तो चलिए अब चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर पर। तो गाइस अब हम बात करेंगे कैरेक्टर मेकिंग के बारे में कि कैरेक्टर मेकिंग आप कैसे करोगे। तो देखो भाई, कैरेक्टर मेकिंग करने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्टोरी को समझना होगा कि आपका जो कैरेक्टर है, स्टोरी का जो कैरेक्टर है वो किस पोजिशन पर रहेगा। तो मेरा स्टोरी का जो कैरेक्टर था वो बाइक राइड करने वाला था। ठीक है, तो उसी के हिसाब से हम यहाँ पर सर्च करेंगे। तो इसके लिए गाइस, जैसे कि मैंने फास्ट में ही आपको बताया है कि अगर आप मोबाइल फ़ोन की मदद से एनिमेशन वीडियो बनाना चाहते हैं तो आपके पास चार एप्लीकेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन चार एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन जिसका नाम है इमेज सर्च मैन, तो इस एप्लीकेशन को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर सर्च करना है कार्टून बाइक राइड कैरेक्टर। ठीक है, तो ये लिखकर आपको सर्च कर देना होगा। तो सर्च करने के बाद गाइस आपको यहाँ पर कार्टून बाइक राइड करने वाला बहुत सारे कैरेक्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको फ्रंट व्यू बाइक राइड करने वाला एक कैरेक्टर आपको डाउनलोड कर लेना होगा एंड बैक व्यू बाइक राइड करने वाला एक कैरेक्टर आपको डाउनलोड कर लेना होगा। तो यहाँ पर आपको ढूंढ लेना होगा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसको ये जो कैरेक्टर हमने डाउनलोड कर रहे हैं बाइक राइड करने वाला, तो इसको हम अपने स्टोरी पर यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट इसका पोज हम लेंगे। ठीक है, तो इसको जस्ट आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको IBIS Paint X एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओके, तो IBIS Paint X एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद माई गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। नीचे आपको प्लस का आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको हाइट विथ को फुल करना है। ओके पर आपको क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद गाइस नीचे आपको लेयर का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक करना है। कैमरा ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको जस्ट जो आपने बाइक राइड करने वाला कैरेक्टर डाउनलोड किया है उसको जस्ट आपको इनपुट करना है।
इनपुट करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको कैंसिल करना है। और गाइस यहाँ पर आपको दो लेयर बन जाएगा, तो आपको करना क्या है, आपको इस तरीके से इसका जो ओपेसिटी है वो आपको नॉर्मल कर देना है, एंड सेकंड वाला लेयर को आपको सिलेक्ट करना है। ब्रश वाला ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर आपको ड्रॉइंग पेन जो ब्रश है उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर उसका जो साइज है वो आपको यहाँ पर 10px रखना होगा, एंड उसके बाद आपको यहाँ पर इसका आउटलाइन आपको बनाना होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से उसका आउटलाइन आपको बनाना है, इसको आपको कॉपी नहीं करना है और ना ही आपको इसका कलर को कॉपी करना है। आप अपने स्टोरी के हिसाब से कलर को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसका आउटलाइन बनाना है, तो चलिए हम यहाँ से जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं। तो देखो गाइस मैंने कुछ इस तरीके से कैरेक्टर को बना लिया है, तो आपको भी कुछ इस तरीके से आपको बना लेना होगा, ठीक है। और बनाने के बाद इसको जस्ट आपको PNG में सेव करना होगा। तो आपको जस्ट इस तरीके से आपको सारे कैरेक्टर को मैकिंग करना होगा। सारे कैरेक्टर का मतलब है आप अपनी स्टोरी में जो भी कैरेक्टर रहेगा वो सारे कैरेक्टर को आपको पोज दे करके उसके बाद आपको PNG में सेव कर लेना है। तो गाइस अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड मेकिंग के बारे में कि आप अपने स्टोरी वीडियो के लिए बैकग्राउंड को कैसे मेकिंग कर सकते हैं। तो गाइस आप मोबाइल से बैकग्राउंड को मेकिंग करने के लिए IBIS Pen एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए, और ये एप्लीकेशन आप अभी तक प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किया है तो आप कर लीजिए, बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन है पेंटिंग करने के लिए, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खोलकर सामने आ जाएगा। सबसे पहले माई गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करना है। माई गैलरी ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको प्लस का आइकन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक न्यू कैनवास ले लेना है। कैनवास का साइज होगा 9:16 SD, तो ये वाला कैनवास का आपको लेना है। लेने के बाद गाइस कुछ इस तरह का यहाँ पर आपको पेज देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो अपने व्हाइट जो स्टेज देख रहे हैं, जो स्क्रीन देख रहे हैं, इसी से हम बैकग्राउंड को बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, ओके। तो अब आपको करना क्या है, आपको ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको बॉल पेन वाला ब्रश को आपको ले लेना होगा। तो आपको मैं जस्ट एक बैकग्राउंड बनाकर दिखाने वाला हूँ, अगर मैं 3-4 बैकग्राउंड बनाने लग जाऊंगा तो भाई वीडियो तो पूरा 2 घंटे के अंदर चला जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं फर्स्ट आपको दिखा रहा हूँ, तो आप थोड़ा आइडिया लगाकर आप अपनी स्टोरी के लिए बैकग्राउंड बना सकते हैं। तो आपको जस्ट मैं यहाँ पर एक छोटा सा बैकग्राउंड बनाकर दिखाने वाला हूँ, जो फर्स्ट आपने देखा रोड वाला सीन, ठीक है, बाइक राइड करने वाला, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर स्केल वाला स्थान पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ये जो स्केल है वो आपको ले लेना होगा। उसके बाद आपको बैक करना है और इसको रोटेट करके यहाँ पर इसे ऐड करना है। तो आप ध्यान से देख लीजिए भाई, अब आपको करना क्या है, आपको ब्रश को सिलेक्ट करना है। ब्रश का साइज आपको यहाँ पर देख लेना है कितना है, तो यहाँ पर आप चाहे तो कम कर सकते हैं, मैं फुल ही रखता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो देखो बहुत मोटा हो रही है, तो मैं यहाँ पर ब्रश को छोटा कर लेता हूँ अब, ठीक है। उसके बाद आपको जस्ट ऑफ कर देना है, तो ये बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है। अब मैं यहाँ पर कुछ स्काई बनाने वाला हूँ कुछ इस तरीके से, तो आप ध्यान से देख लीजिए, हो गया है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कलर फिल करना है। तो कलर फिल करने के लिए फिर से ब्रश ऑप्शन पर बाकेट ऑप्शन पर जाना है, यहाँ पर कलर ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि हम रोड पर कलर फिल करने वाला है, तो ब्लैक को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर को इस तरीके से फिल कर देना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से फिल करना होगा। बहुत डीप लग रहा है, इसको मैं थोड़ा लाइट कर देता हूँ, इस तरीके से करना है। यहाँ पर आपको ग्रीन कलर को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से फिल करना है। आप देखिए यहाँ पर ध्यान से, आपको करना क्या है, आपको फिर से ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और एकदम नीचे चला जाना है। नीचे आपको बहुत सारे ब्रश आपको देखने को मिलेगा, जो कि आप आसानी से बैकग्राउंड को क्रिएट कर सकते हैं।
यहाँ पर लेप्स स्लोवर जो ब्रशेस उसको आपको ले लेना है, ठीक है। लेने के बाद आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ब्रश का साइज यहाँ पर आपको थोड़ा कम कर लेना है। कम करने के बाद कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, इसका पत्ता वगैरह कुछ इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा आसानी से आप बना सकते हैं। जस्ट आप ध्यान से देखिए आपको करना क्या होगा, इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर घास वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, जो आप ध्यान से देखते रहिए आपको करना क्या होगा। आपको सिर्फ यहाँ पर ब्रश का कमाल है। तो हो गया गाइस, कुछ इस तरीके से आपको बनाना है। बनाने के बाद आपको करना क्या है, आपको फिर से ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। ब्रश वाला ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको करना क्या, आप ध्यान से देखिए आपको तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर मेहनत करना है बट आप सीख जाओगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर हम ट्री बनाने वाले हैं, तो ट्री बनाने के लिए आपको नीचे जाना है और यहाँ पर आपको ट्री का भी ब्रश आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रंक वन, ये आपको ट्री को ले लेना है। कलर को आपको जाना है, कलर पर जाने के बाद गाइस ये कलर को आपको ये वाला कलर को सिलेक्ट करना है। ब्रश का साइज आपको बढ़ा लेना है एंड यहाँ पर आपको ऐड करना है। पर हम पेड़ का पत्ता बनाएंगे तो इसके लिए हम यहाँ पर पत्ता का ब्रश सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ओके गाइस, कुछ इस तरीके से आप अपने कार्टून वीडियो के लिए बैकग्राउंड को बना सकते हैं। तो इस तरीके से बनाकर आप गैलरी पर सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद आप अपनी स्टोरी वीडियो में इसे आप ऐड कर सकते हो। तो चलिए अब हम एडिटिंग के बारे में जानेंगे।